कल दोपहर 2:30 बजे हुई थी। जी उधर से मैं बाइक के चक्कर में गया था दुकान जी पाँच के जी। मुझे पहले पीटा, फिर जी उसमें ले गए दुकान में वेल्डिंग वाले की, फिर जी मुझे वो उल्टा करके कपड़े उतार के वीडियो बनाई जी पीछे से, फिर जी उंगली दी आपके प्राइवेट पार्ट में कुछ चीज भी डाली थी जी। नहीं डाल रहे थे वैसे इतने में क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं? क्या जी। नहीं उन्होंने पहले भी कभी ऐसा किया था? जी पहले जी लड़ाई हुई थी पहले तो कौन सी किताब में पढ़ते हैं? इंटर में। जो लड़के थे उनके पापा दरोगा हैं क्या? पुलिस में है एक, पुलिस में। मैं तो कल एक हमारे पड़ोस में फौजी बीमार हो गए थे, मैंने एडमिट कराने गया था। मैं गाड़ी चलाता हूँ जी, गाड़ी चला कर ना घर परिवार चलाता हूँ अपना। तो जी ये मान लड़का 2:30 और 3 के बीच में किशनगंज कॉलोनी में मोटरसाइकिल वाला मिस्त्री है, उसके वहाँ अपनी बाइक के लिए गया था काम कराने के लिए। तो कुछ 5 बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने इस लड़के को रोका, उसे अब सब शब्द कहे इसको कुछ जाति नाम पर। तो लड़का कहला भाई मुझे ऐसा मत कहो। तो उन्होंने सब पीटते पीटते से एक वेल्डिंग वाली दुकान है वहीं पर, उसे वेल्डिंग वाली दुकान में अंदर ले गई खींच के, और उसकी जींस की पैंट निकाली गई, और इसके गैल जो प्राइवेट इसके पार्ट्स है उनको छेड़खानी करी गई। तो और भी कुछ करने वाले थे, तो इसके पीछे से इन्होंने आनन फानन में कुछ नहीं कर गया, मतलब इन्होंने उसके उंगली दी अंदर ठीक है जी। तो फिर इसको पीटा, और इनमें से एक लड़का जिसका नाम संदीप है, उसका बाप किसी मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग में कोई पुलिस है। तो उसने कहा ये मेरा घर है, मेरा बाप पुलिस में है, और तन्ने घर जाकर बताई तो तू जा तेरे बाप को जान से मरवा दूंगा। तो उसने ये कहा। मैं फिर आया तो मैंने देखा लड़का सो रहा था, मैंने कहा खाना नहीं खाया तो लौंडा रो रहा था। तो हमने इस बात की कि काई को रो रहा ट्यूशन क्यों नहीं गया, ट्यूशन ही पढ़ने उसी कॉलोनी में उधर ही जाता था। तो जब इसने बताया कि मेरे क्या ऐसा हुआ, तो हमने जाकर अपना फाइल लिखवाई थाने में। तो हमें उस क्षेत्र के लोग कुछ वार्ड मेंबर भी थे कुछ भी, तो हमारे साथ मारपीट करने थाने तक गए वहाँ से। और लड़के की माँ ने हमें खुद कहा कि मैं तो मैं कल सिखा दूँगी और इनको तमीज सिखा दूँगी, इस तरह की लैंग्वेज से हमें वो करा। और फिर हम रात को करीब करीबन जब बाढ़ देखते थे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, हम रात को 1:45 बजे घर से आए। उसके बाद हमारे पास रात को 2 बजे 2 पुलिस वाले और आ गए, कह रहा भी तुम्हें कप्तान साहब ने बुलाया है। मगर साहब कप्तान साहब ने हमें इस टाइम की बुलाया, हमने को मर्डर थोड़ी करा, ये तो एक मुकदमा है, हम सुबह मिल लेंगे। मगर नहीं अभी बुलाया है, हमें दबाव दे के हमसे जबरदस्ती फैसला लिया जा रहा था। तो सर जी ये घटना का ये सारा विषय, तो हमें रात को भगा दिया, हम सुबह जाकर फिर अपनी रिसीव कॉपी लाए और हमने इसका मेडिकल कराया। मेडिकल में क्या रिपोर्ट आई? मेडिकल में सब कुछ राइट आया, और वे जाँच के लिए भेज दिए उन्होंने, और डॉक्टर साहब ने जो मेडिकल सारी करी है। जो 5 आरोपी हैं वो कहाँ के रहने वाले, क्या क्या करते हैं? वे रहने वाले किशनगंज कॉलोनी के हैं, और हमारी आंखों के सामने हम पीड़ित परिवार उसके घर गए, हमें उन्होंने गलत शब्दों से बोला। और जो दो पुलिसकर्मी थे वे कह रहे ठीक है थाने चलो आप भी ये भी। तो हम उनसे 1 घंटा पहले पहुँच गए, वो लड़का अब तक भी करीब करीब 15-16 घंटों के अब तक भी कहीं पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और साथ को ने पता करा कि बाइक पर आया था, फाट को वैसे पुलिस वाले ने तार दिया था। इसका स्कूल का बच्चा है थाना पुलिस क्षेत्र में, उसका आरोप ये है कि वो ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो कुछ लड़के जिन्हें वो पूर्व से जानता भी है, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, उसी के लड़के कुछ छेड़खानी करते थे। उसमें FIR दर्ज करने की आवश्यकता भी नहीं है। सर सुनने में आया कि उसका कोई वीडियो भी बनाया है वायरल वगैरह? ये इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ क्लियर होगी, इस तरीके का अभी तो कोई उसने आरोप नहीं लगाया।